बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर नदाए उर्दू जमात अव्वल हिस्सा अव्वल उर्दू कायदे के जो हमने पीछे सारे असबाक यानी कि चार असबाक पढ़े हैं उससे मुतालिक जो मश्क है उसको हल करेंगे। अब हम देखते हैं इस मश्क में पहला सवाल कौन सा है। पहला सवाल है दी गई मिसाल के मुताबिक तस्वीर का नाम बताएं और पहली आवाज़ वाले हर्फ से मिलाएं। जैसे कि हमने पहले किया है, हम देखेंगे तस्वीर को पहचानेंगे, उसका नाम देखेंगे और उसके नाम का पहला हर्फ देखेंगे। सबसे पहले क्या है? अमरूद। अमरूद का पहला हर्फ अलिफ है, अलिफ से मिला दिया हमने। आगे क्या है? बत्तख, इसको हमने बे से मिला दिया। अगली तस्वीर कौन सी है? चिड़िया, चे, चे से मिला दिया। उसे अगली तस्वीर कौन सी है? दवात, दाल से मिला दिया। और उससे अगली तस्वीर कौन सी है? स्लेट, सीन से मिला दिया। अब आगे देखते हैं संदूक, स्वाद, इसे क्या कहते हैं? आसा, किससे शुरू होता है? आयन से। अगला क्या है? फवारा, फे से। उससे अगला लट्टू, लाम से। उससे अगली तस्वीर नमकदानी यानी के नून से। सबने मेरे साथ मिलके मिला लिया। हर तस्वीर को गौर से देखें और उसका नाम पुकारें, फिर नाम की पहली आवाज़ वाला हर नीचे दी गई जगह पर दो बार लिखें। जैसे कि ये कौन सी तस्वीर है? तितली, इसमें ते, ते को हमने दो दफ़ा लिख लिया। अगली तस्वीर क्या है? जग, जीम को हमने दो दफ़ा लिख लिया क्योंकि जग का पहला हर्फ जीम है। अगली तस्वीर क्या है? डब्बा, डब्बे का पहला हर्फ डाल है, हमने डाल को दो दफ़ा लिख लिया। उसके बाद अगली तस्वीर कौन सी है? चपाती, चे को हमने दो दफ़ा लिख लिया। इसी तरह अगली तस्वीर, ये एक सब्ज़ी है, शलजम, शीन है उसका पहला हर्फ, शीन को हमने दो दफ़ा लिख लिया। उससे अगली गुलेल, इसका क्या है? सबसे पहला हर्फ गाइन, क्या है? गाइन। अगली तस्वीर कौन सी है? कबूतर, काफ। उससे अगली मछली, मीम। उससे अगली वर्दी, वाओ। उससे अगली पत्ता, पे। उससे अगली हिरन, हे। और उससे अगली टमाटर, ते। अब हम अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सवाल क्या है? हर्फ पढ़ें और मिसाल के मुताबिक इसके बाद वाले हर्फ पर दायरा लगाएं। जैसे कि आपने देखना है कि बे है, बे के बाद कौन सा हर्फ आता है? पे, पे के गिर्द आपने दायरा लगा देना है। जीम, जीम के बाद क्या आता है? चे, चे पे आपने दायरा लगा देना है। डाल, डाल के बाद क्या आता है? जाल। आगे क्या है? जे, जे के बाद क्या आता है? यलाबारी। इस तरह आपने दायरा लगा देना है। शाबाश, आपने बहुत अच्छे तरीके से इन सवालों को हल किया। आखिरी सवाल कर रहे थे, उसका बाकिया हिस्सा है, ज़ाद के बाद क्या आता है? तोएं, तोएं पे दायरा लगाएं। गाइन के बाद क्या आता है? फे। और सीन के बाद क्या आता है? शीन। लाम के बाद मीम। वाओ के बाद हे। फे के बाद कॉफ। अब हम अगला सवाल देखते हैं, रवानी से पढ़ें, यानी कि आपने मेरे साथ इसको जल्दी से दुरुस्त लफ्ज़ों से पढ़ना है। क्या है? पे, चे, सीन, लाम, दाल, आयन, स्वाद, ज़ाद, नून, छोटिये, तोएं,
गाफ वाओ जीम ते जे गैन जोए शीन खे काफ बड़िये से रे फे टे रे हे कौफ मीम डाल अलिफ मद य हमजा बे जाल अलिफ हे। शाबाश, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे पढ़ा। अब हम अगला सवाल देखते हैं। पहचाने और निशान लगाएं। इस तस्वीर पर टिक लगाएं जिसके नाम की पहली आवाज़ जीम है। जल्दी से बताएं, जीम में जीम किसकी आवाज़ है पहली? जग। शाबाश। इस तस्वीर पर दायरा लगाएं जिसकी आखिरी आवाज़ नून है। अभी तक हमने क्या देखा था कि पहली आवाज़ें देखी थी। अब आपने क्या करना है, तस्वीर का नाम सोचना है कि कौन सा है और उसकी आखिरी आवाज़ देखनी है। जैसे कि बतख, इसकी आखिरी आवाज़ क्या है? खे। ये तो नहीं आएगा। उसके बाद चिड़िया, इसकी आखिरी आवाज़ क्या है? ये अलिफ या, यानी कि अलिफ। अगला क्या है? साबुन। साबुन की आखिरी आवाज़ नून है, तो हम उसके गिर्द दायरा लगा देंगे। तस्वीरों को गौर से देखें, हर तस्वीर के नाम की आखिरी आवाज़ से नया लफ्ज़ बनाएं। अब आप ये देखें, जैसे सेब की आखिरी आवाज़ बे है, इससे बकरी बनी। इसी तरह हम देखते हैं जग। जग की आखिरी आवाज़ क्या है? गाफ। उससे क्या बना? गुड़िया। क्या है? गुड़िया। उसके बाद अगला क्या है? हिरन। हिरन की आखिरी आवाज़ क्या है? नून। नून से क्या बनता है? नलका। उसके बाद अगली क्या है? दवात। दवात की आखिरी आवाज़ क्या है? ते। ते से क्या बनता है? तितली। और उसके बाद क्या है? मोर। मोर की आखिरी आवाज़ क्या है? रे। रे से क्या बना? रेलगाड़ी। मुझे यकीन है तलबा, आपने इस मश्क को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लिया होगा और हल भी कर लिया होगा। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।